नमस्कार, कोई ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को डाउनलोड कर रहे हैं तो इस तरह से पेंडिंग दिखा रहा है और आपके फ़ोन में आपका जो व्हाट्सएप है वह डाउनलोड नहीं हो रहा है? उस प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि वह जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है। डाउन करने के बाद ऊपर में आपको एक मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहां से यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन है उसके बावजूद भी प्ले स्टोर से आपका जो व्हाट्सएप है वह डाउनलोड नहीं हो रहा है, वहां पे डाउनलोड पेंडिंग आ रहा है, तो बता दें कि यह जो प्रॉब्लम है वह नेटवर्क इशू के कारण आता है। तो आपको एक बार अपने फ़ोन में एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, ऑन करने के थोड़ा देर बाद इसको ऑफ़ कर देना है और यहाँ से यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में नेटवर्क आया कि नहीं और यहाँ से आपके फ़ोन में डाटा कनेक्शन ऑन है कि नहीं। इतना करने के बाद आपको रिसेंट से सारे चीज़ को हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहाँ से आपको व्हाट्सएप को डाउनलोड करके देखना है कि आपका व्हाट्सएप डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। अगर इतना करने से आपके फ़ोन में आपका जो व्हाट्सएप है वह डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है। अगर इतना करने से भी आपके फ़ोन में आपका व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप्स या एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपके फ़ोन में जो भी ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद इसमें आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर को ढूँढ लेना है। गूगल प्ले स्टोर ढूँढने के बाद अब आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है और ऊपर में आपको एक क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको इस तरह से डिलीट कर देना है और आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद आपको एक डाटा यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, यह जो दोनों ऑप्शन है वह आपके फ़ोन में ऑफ़ है कि नहीं। अगर ऑफ़ नहीं है तो यहाँ से ऑफ़ कर लेना है और यहाँ से आपको रिसेंट से सारे चीज़ को क्लियर कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप टाइप करना है। व्हाट्सएप टाइप करने के बाद यहाँ से इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप दिख जाएगा। अब आपको व्हाट्सएप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए आपको पेंडिंग दिखाएगा और उसके बाद यहाँ से जो आपका व्हाट्सएप है यहाँ से ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद यहाँ से वह इंस्टॉल भी होने लगेगा। तो आपके जो फ़ोन में है व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं हो रहा था, वहाँ पर डाउनलोड पेंडिंग आ रहा था या किसी भी तरह का एरर आ रहा था, तो उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं और अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।